सुना है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ना छोड़ेंगे, तुमको भी संग ले डूबेंगे। और भी कहीं सुना है, द फास्टर यू राइज द हार्डर माइट बी योर फॉल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजीव पोदार और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, वो इसके बारे में इंडिया में बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सी, बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत ही ज़्यादा रूमर फैला हुआ है। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है, क्या यस बैंक डूबने वाला है? क्या येस बैंक में अपने जो फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है और जो अपने सेविंग बैंक डिपॉजिट है वो सब निकाल लेने चाहिए? क्या येस बैंक से अपना अकाउंट क्लोज करके ट्रांजैक्शंस बंद कर देने चाहिए? डिस्कशन चालू करने से पहले मैं एक तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। दिस वीडियो इज ओनली मेंट फॉर द डिपॉजिटर्स ऑफ येस बैंक, मतलब जिनका अकाउंट है येस बैंक में। दिस इज नॉट मेंट एट ऑल फॉर पीपल हु आर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इन शेयर मार्केट, only and only for the depositors in Yes Bank. Yes Bank was founded in 2004 by Rana Kapoor and Ashok Kapoor. But Ashok Kapoor ki very tragic death ho gayi Mumbai mein 2008 ke jo terrorist attack mein. Us raat ko wo apni wife ke saath dinner karne Oberoi hotel mein gaye the aur wahin pe he was killed by the bullets of the terrorist. Uske baad Yes Bank ka sara control Rana Kapoor ke paas aa gaya. राणा कपूर वॉज अ वेरी वेरी एम्बिशियस मैन और देखते ही देखते उसने येस बैंक को इंडिया का एक तो हाउस होल्ड नेम बना दिया एंड येस बैंक बिकेम वन ऑफ द टॉप प्राइवेट बैंकर्स इन इंडिया। बट देर ऑलवेज रूमर्स कि राणा कपूर यूज टू रन येस बैंक एज इज पर्सनल जागीर। वो रूल्स, रेगुलेशन, कन्वेंशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता था और वो सिर्फ येस बैंक को बढ़ाने के चक्कर में लगा रह गया। द ट्रबल स्टार्टेड इन सेप्टेम्बर 2018 जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राणा कपूर को येस बैंक के MD और CEO के पोस्ट से हटा दिया और उनको बोला यू कैन नो लॉन्गर रन दिस बैंक। राणा कपूर के जाने के बाद लॉट ऑफ स्केलेटन स्टार्टेड टू टम्बल आउट ऑफ द क्लोजेट। पता चला येस बैंक ने काफी लोन उन कंपनियों को दे रखे थे जिनकी फाइनेंशियल पोजिशन ठीक नहीं थी। ऑलमोस्ट ए टू जेड ऑफ इंडियन कंपनीज जो फाइनेंशियल मेस में थी उन सब में येस बैंक एक कॉमन लेंडर था, लाइक अनिल अंबानी, CG पावर, कॉक्स एंड किंग, ZTV एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज लोन स्टार्टेड टू टर्न बैड डेब्ट्स, जिसको बैंकिंग लैंग्वेज में NPA दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है, और येस बैंक नेट लॉस दिखाना चालू कर दिया, जिसके कारण उसके शेयर्स के दाम जो 300-400 प्लस चलते थे वो 100 के नीचे चले गए। और तो और राणा कपूर ने अपने खुद के येस बैंक के शेयर्स सब प्लेज या गिरवी कर रखे थे। जैसे जैसे शेयर के दाम गिरे, जहां पे उन्होंने शेयर्स प्लेज कर रखा था उन्होंने उसके शेयर्स बेचते गए और अल्टीमेटली उसके शेयर्स के दाम, येस बैंक के शेयर्स के दाम ओनली 30 रुपीज आ गए थे। आज राणा कपूर के पास लेस देन 1% शेयर्स रह गए हैं येस बैंक के। फ्रॉम एवरीथिंग ऑफ येस बैंक ही हैज बिकम नथिंग ऑफ येस बैंक। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा द फास्टर यू राइज द हार्डर माइट बी अ फॉल। एम्बिशियस और ओवर एम्बिशियस के बीच में बहुत पतला लाइन होता है एंड वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट विच साइड वी आर ऑन। ये तो हो गया हिस्ट्री ऑफ येस बैंक। नाउ वी कम टू द मेन मुद्दा, इज योर डिपॉजिट सेफ इन येस बैंक? लेट मी एक्सप्लेन। ऑन 2 अक्टूबर 2019 येस बैंक ने एक तो प्रेस रिलीज दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास हम लोग ने डिपॉजिट किया 2.09 लाख करोड़। ये जो डिपॉजिट हम लोग ने किया है ना, ये येस बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हम लोग ने जमा किया है, हम लोग कभी भी उनसे वापस ले सकते हैं। तो येस बैंक का कितना लायबिलिटी है हम लोग की तरफ, 2.09, हम लोग राउंड फिगर लेते हैं 2.00, 2 लाख करोड़ येस बैंक को हम लोग को रुपया वापस देना है, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट हो, रिकरिंग हो, सेविंग हो, जहाँ पे जमा किया हुआ है। उसके बदले येस बैंक ने बताया कि उसने 2.32 लाख करोड़ लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं जो उसके लिए एसेट है। जो रुपया येस बैंक हम लोग से लेता है वो कहीं ना कहीं वो किसी और को देता है लोन, तो उसने 2.32 लाख करोड़, जिसको हम लोग राउंड फिगर लेते हैं 2.30 लाख करोड़, उसने लोन से एडवांसेस दिए हुए जो उसके लिए एसेट है। तो देखा जाए उसका मेन लायबिलिटी है 2 लाख करोड़ और उसका मेन एसेट है लोन से एडवांसेस जो है 2,30,000 करोड़। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग लगता है कि उसके एसेट बहुत ज्यादा है लायबिलिटी से, तो देखा जाए तो वो सेफ है। तो देखा जाए येस बैंक के पास एसेट ज्यादा है अपने लायबिलिटी से, एसेट 2.3 था और लायबिलिटी 2.00 था, बट उसके वो उतने में जो एडवांसेस दिए हुए हैं वो कई ऐसी कंपनीज को दिए हुए जो डूब जाएंगे। मान लो 10% रुपया डूब जाएगा, 20% रुपया डूब जाएगा, तो कितना जाएगा? तो उस 2.3 लाख करोड़ में से मान ले 50,000 करोड़ उसको नहीं आएंगे। अगर 50,000 करोड़ उसको नहीं आते हैं तो उसके पास कितना बचते हैं लोन्स एंड एडवांसेस? 1.8 लाख। अब उसका एसेट कम हो जाता है लायबिलिटी से, 1.8 लाख हो गया उसका
करोड़ का हो गया उसका एसेट और लाइबिलिटी उसके पास 2.00 लाख करोड़ का है, लेकिन यस बैंक के पास कैश है, उसके पास सिक्योरिटीज है, रिजर्व बैंक के पास उसने खुद के डिपॉजिट रखे हुए हैं, दोज आर मोर देन इनफ टू कवर इट्स ऑल लाइबिलिटी। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैथमेटिकली यस बैंक टोटली सेफ है, उसके पास एसेट बहुत ज़्यादा है लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है जो ट्रस्ट ऑफ फेथ हम लोग का उसके ऊपर से उड़ गया है। क्या हो रहा है, सब जगह हवा फैल गया कि यस बैंक डूब रहा है डूब रहा है डूब रहा है, तो क्या हो रहा है, सब कोई जाके अपना यस बैंक से रुपया निकालने जाएंगे। इसको बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है रन ऑन दी बैंक, RUN, रन रन ऑन दी बैंक। इट इज अ वर्स्ट नाइटमेयर फॉर एनी बैंक कि सब डिपॉजिटर अपना रुपया निकालने जाएंगे कि हम लोग का रुपया वापस दो। अब 2 लाख करोड़ के अगेंस्ट में उसके पास एसेट ज्यादा है, लेकिन वो सारा एसेट तो उसके पास कैश में नहीं है, वो तो सबको लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है, वो तो धीरे धीरे करके कलेक्ट होगा। तो एक साथ जब सबको रुपया लेने जाएंगे तो बैंक के पास उतना रुपये थोड़ी ना पड़े हुए होंगे, तब बैंक को डिफिकल्टी आएगा और इसके कारण और बाजार में हवा फैलेगा कि बैंक रुपया नहीं दे पा रहा है। इसीलिए क्या होगा, उस टाइम रिजर्व बैंक जो हम लोग का बिग बॉस है फाइनेंशियल सिस्टम का, वो स्टेप इन करेगा और वो बोलेगा कोई चिंता का बात नहीं है। सो ये हो ही नहीं सकता कि यस बैंक फेल हो जाए, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ने प्रोवाइड नहीं किया उसको लिक्विडिटी तो क्या होगा, यस बैंक फेल होगा। अगर यस बैंक फेल होता है तो संग संग में क्या होगा, और सारे प्राइवेट बैंक्स में भी हम लोग का फेथ उड़ जाएगा। एवरीवन विल बी रनिंग टूवर्ड्स ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कर्नाटका बैंक, RBL बैंक, सब कोई अपना रुपया निकालने लग जाएंगे। तो क्या होगा, इट विल बी अ फाइनेंशियल सुनामी हो जाएगा, पूरा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। RBI ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देगा, बिकॉज उसको पता है कि अगर हलवा थोड़ा सा भी खराब हो गया यस बैंक के लिए, इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट और ये पूरा स्प्रेड कर जाएगा इकोनॉमी में। तो वो सिचुएशन के आने से पहले ही नॉट ओनली बाई वर्ड्स बट बाई एक्शन RBI सबको रीअश्योर करेगा कि तुम लोग का रुपया सेफ है। अगर फिर भी कुछ गड़बड़ होता है तो वन फाइन नाइट वी विल कम टू नो दैट RBI हैज टेकन ओवर यस बैंक और कभी ना कभी उसको कोई वेरी स्ट्रांग बैंक के साथ उसको मर्ज कर देगा। देखिए ये करना ही पड़ेगा RBI को, नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट को बचाना जरूरी नहीं है। अगर आरकॉम डूबता है, यूनिटेक डूबता है, JPA एसोसिएट डूबता है, तो क्या गवर्नमेंट उनको कंपेंसेट करता है, बिल्कुल नहीं कंपेंसेट करता है। किंग फिशर डूब गया, ये सबको गवर्नमेंट ने नहीं कंपेंसेट किया, क्यों करेगा गवर्नमेंट, क्योंकि दीज आर प्राइवेट कंपनीज, प्रॉफिट भी उनका लॉस भी उनका, गवर्नमेंट विल नॉट प्ले अ रोल। बट नहीं चाहते हुए भी बैंकों के अंदर, कमर्शियल बैंक्स के अंदर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ता है कि उनको बचाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो इट इज नॉट लाइक अदर कंपनीज, बैंक हैव टू बी सेफगार्डेड, दे हैव टू बी गारंटीड, नहीं चाहते हुए भी उसको हेल्प करना ही पड़ेगा। जहां तक मैंने पढ़ा है, लास्ट 70 ईयर्स में नॉट अ सिंगल कमर्शियल बैंक, आई रिपीट कमर्शियल बैंक को RBI ने डूबने दिया है। बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे RBI ने आके ओपनली हेल्प किया है। अगर आप लोग को याद हो, 15 साल पहले एक तो प्राइवेट बैंक हुआ करता था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, उसका पूरा रुपया लॉस हो गया था केतन पारिक का उसके अंदर शेयर मार्केट का स्कैम के अंदर। तो RBI ने उसको फ्राइडे रात को टेक ओवर किया और मंडे सुबह उसको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ उसको मर्ज कर दिया। 2008 में ICICI बैंक का हवा फैला था कि जो 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था वर्ल्ड में, उसके अंदर ICICI बैंक का हवा फैला था कि ICICI बैंक का हालत खराब है। तो रिजर्व बैंक एकदम बिग बॉस की तरह उसके पीछे खड़ा हो गया था लाइक अ रॉक कि भाई तुमको जितना पैसा चाहिए हम लोग ICICI बैंक को दे रहे हैं एंड वी विल नॉट अलाउ टू फेल। सो 100% गारंटी है कि रिजर्व बैंक यस बैंक को फेल नहीं होने देगा, नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। नो गवर्नमेंट अलाउज एनी प्राइवेट बैंक टू गो डाउन, क्योंकि उनको पता है कि एक बैंक अगर फेल होता है तो पूरा सिस्टम, पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। 2008 में जब वर्ल्ड में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो अमेरिका और इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने वहाँ के प्राइवेट बैंक, प्राइवेट कंपनीज को रुपए दे दे के उनको मदद करना पड़ा, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड है। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि अगर यस बैंक डूबता है तो वो क्या बोलेगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ना छोड़ेंगे, तुमको भी संग ले डूबेंगे। इसका एक तो वर्ड आया था मॉरल हैजर्ड करके वर्ड आया था कि मॉरली नहीं करना चाहिए लेकिन करना ही पड़ेगा उनको हेल्प, बिकॉज इट विल हैव मच मोर डीपर इम्पैक्ट अगर उनको हेल्प नहीं किया गया। सो टू कंक्लूड, मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ, यस बैंक मैथमेटिकली आपके सेफ है, रुपए डिपॉजिट है। अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है उसके अंदर तो रिजर्व बैंक प्रोवाइड करेगा लिक्विडिटी उसको बचाने के लिए, और अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो वन फाइन डे द इंटायर
यस बैंक विल बी टेकन ओवर एंड मर्ज्ड विद अनदर स्ट्रॉन्गर बैंक, सो आपका डिपॉजिट कहीं नहीं जाएगा। अगेन आई लेट मी मेक अ डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो बनाया गया है ओनली फॉर द डिपॉजिटर है, जिनके फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट है, जिनके अकाउंट है वहाँ पे, ये इन्वेस्टर्स लोग के लिए, ट्रेडर लोग के लिए, शेयर मार्केट के लिए नहीं है। तो प्लीज़ बी सेफ और उसी हिसाब से ट्राई टू एनालाइज थिंग्स rather than getting carried away by all the rumors that is floating around in the system. वे सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सुना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, होपफुली आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड कर दोगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।